एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन टुडेज वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सरस्वती पूजा मेकअप लुक ट्यूटोरियल। आई होप यू गाइस एंजॉय वाचिंग दिस वीडियो, सो प्लीज कीप ऑन वाचिंग। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे टोनर अप्लाई करूँगी, और मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है पिलग्रीम का टोनर। नेक्स्ट मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करूँगी, और इसके लिए मैंने ले लिया है बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर वाला मॉइस्चराइजर। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट वाला मॉइस्चराइजर है, स्पेशली इन विंटर। सो मॉइस्चराइजर मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट मैं अपने फेस को प्राइम करूँगी, और इसके लिए मैंने अप्लाई किया है ब्लू हेवन का प्राइमर, जो कि एक बहुत अच्छा प्राइमर है गाइस, सिलिकन बेस्ड प्राइमर है एंड मुझे काफ़ी पसंद है ये। सो प्राइमर मैंने लगा लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। सो फॉर फाउंडेशन मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन इन दी शेड गोल्डन बेज, जो कि मेरा शेड नहीं है, ये बहुत लाइट है मेरे स्किन टोन से, बट ये काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, आफ्टर ऑल ये सेट हो जाते हैं। सो मैं यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से, एंड यू कैन सी गाइस कि ये कितना लाइट है मेरे स्किन टोन से, बिल्कुल मैच नहीं करता। बट जब मैं फुल फेस मेकअप करूँगी तब ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। एंड ब्लेंडिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, आपको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना होता है। अगर आप अच्छे से ब्लेंड नहीं करोगे तो फाउंडेशन केकी लगता है एंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कितना भी अच्छा फाउंडेशन हो आपको ब्लेंडिंग करना ही पड़ता है। मैं थोड़ा सा नेक पे भी अप्लाई करूँगी, क्योंकि आप देख सकते हो फेस कलर और नेक का कलर बहुत ही डिफरेंस है, एंड अगेन जो कि मैंने आपको बोला है कि ये शेड नहीं है मेरा। सो नेक्स्ट यहाँ पे मैं फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद कंसीलिंग करूँगी, और इसके लिए मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर इन दी शेड मीडियम बेज, और इसको मैं हर वो जगह अप्लाई करूँगी जहाँ जहाँ हाईलाइटिंग की ज़रूरत है, लाइक ब्रिज ऑफ द नोज, अंडर आई, आई लिड, कीप इट्स बो चिन। इसको भी मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी। एंड ये एक बहुत अच्छा अफोर्डेबल प्राइस का एक कंसीलर है गाइस, ओनली 199 रुपीज़ है इसका, एंड नायका पे, पर्पल पे या अमेजोन पे आपको हमेशा ये डिस्काउंट प्राइस में मिल जाएंगे, लाइक 189 या 175 का कुछ। बहुत ही अच्छा वाला कवरेज है इसका एंड मुझे काफ़ी पसंद है ये। सो या मैंने यहाँ पे कंसीलर को ब्लेंड कर लिया है। नेक्स्ट मैं इसको सेट करूँगी। सो आई हैव ए ऑयली स्किन गाइस, एंड फेस को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये डे टाइम मेकअप है, नहीं तो फेस में से बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्टे क्विर्की का कॉम्पैक्ट, और इसमें मेरा शेड है बेज बेबी 3 आई गेस, एंड इसको मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर में लेके देन डैब डैब तरीके से डैबिंग मोशन में अप्लाई करूँगी। इससे बहुत अच्छा फिनिश होता है, आप देख सकते हो डिफरेंस। इसमें बहुत अच्छा खासा कवरेज भी है एंड मुझे काफ़ी पसंद है ये वाला कॉम्पैक्ट, लाइक मेरे फेस में से ये काफ़ी देर तक ऑयल को कंट्रोल करता है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड मैं ऑल ओवर फेस को इसे सेट कर लूँगी, थोड़ा सा नेक पे भी अप्लाई करूँगी। सो नेक्स्ट आई एम गोना ब्रॉन्जिंग माई फेस, और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबली न्यूयॉर्क का मास्टर कॉन्टो फेस पैलेट में से ये ब्रॉन्जिंग वाला शेड को पिक करके मैं अपने फेस को ब्रॉन्जिंग करूँगी। मैं हर वो जगह ब्रॉन्जिंग करूँगी जिससे मेरा फेस थोड़ा सा चिजल्ड लगे, एंड मैं बहुत लाइट ब्रॉन्जिंग करूँगी क्योंकि ये डे टाइम लुक है। सो मैं चीक्स पे एंड फोरहेड को थोड़ा सा ब्रॉन्जिंग करूँगी ताकि मेकअप थोड़ा मेंटेन रखे, एंड थोड़ा सा जॉ लाइन को ब्रॉन्जिंग करूँगी एंड लिटिल बिट नोज को ताकि नोज थोड़ा सा शार्प दिखे। सो नेक्स्ट आई एम गोना डू माई फेवरेट पार्ट ऑफ द मेकअप, इट्स ब्लश, एंड नेक्स्ट मैं वेट एंड वाइल्ड की ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। इसमें मेरा शेड है मेलो वाइन, एंड इसको मैं एक फ्लफी ब्रश में लेके थोड़ा सा स्माइल करते हुए ऊपर की तरफ ब्लेंड करूँगी, एंड मैं ज़्यादा ब्लश अप्लाई करूँगी गाइस क्योंकि आई लव ब्लश। अगर आप मुझे फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा। सो या मैंने ब्लश अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट मैं आई मेकअप करूँगी, और इसके लिए मैंने यूज़ किया है हिलरी रोडा का आई शेडो पैलेट, और इसमें जो पैलेट नंबर है वो है 02। सो इस पैलेट में से मैं एक पिंक कलर की शेड को एज अ ट्रांजिशन कलर अप्लाई करूँगी। मैं थोड़ा सा डार्क चाहती हूँ कलर, इस वजह से मैं थोड़ा सा और भी अप्लाई करूँगी। ये टोटली आप पे है गाइस कि आपको कितना डार्क चाहिए कितना लाइट चाहिए, तो आप अपने हिसाब से डार्क लाइट कर सकते हो। मैंने डार्क की आपको डार्क करना है ऐसी बात नहीं है। और नेक्स्ट मैं दोनों ऐसे सेम थिंग करने के बाद एक ब्लू कलर की शिमरी शेड को पिक करके पूरी लिप पर अप्लाई करूँगी, एंड ये कलर बहुत ही पिगमेंटेड है एंड आई रियली लाइक द ब्लू, लाइक ये बहुत ही इंटेंस कलर है गाइस, एंड मेरे साड़ी के साथ बहुत अच्छे से मैच कर रहा था। लाइक थोड़ा सा डार्क होता तो ज़्यादा बेटर होता, बट यहाँ पे यही ब्लू मुझे मिला और मेरे पास इस टाइप का ब्लू और नहीं था, सो मैंने इस कलर को ही अप्लाई कर लिया। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे आउटफिट के साथ। देन मैं सेम पिंक कलर की कलर को फिर से लूँगी और इस ब्लू के साथ मैच कर दूँगी ताकि कोई भी हार्श एजेस ना रहे एंड आई शैडो काफ़ी अच्छे से ब्लेंडेड दिखे। सो या
मैं सेम थिंग दोनों आइज पे कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कोल अप्लाई करूँगी। सो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है NYV का काजल इन द शेड ब्लैक। ये काफ़ी अच्छा वाला काजल है, अफोर्डेबल प्राइस में 60-75 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा purple.com पे इजीली। फिर भी मैं ऑल प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप चाहो तो वहाँ से जाके भी परचेज कर सकते हो। देन मैं एक स्मच ब्रश की मदद से इसको थोड़ा सा स्मच कर लूँगी ताकि एक स्मोकी सा इफेक्ट आ जाए। सो स्मच करने के बाद सेम पैलेट में से मैं पिंक कलर के शेड को लूँगी और लाइक इनर थर्ड जो लोअर वाटर लाइन है उसमें अप्लाई करते हुए स्मच करूँगी काजल को। इससे एक स्मोक्ड अप इफेक्ट मिल जाएगा एंड जो काजल है वो सेट हो जाएगा। देन मैं हाइलाइटर यूज़ करूँगी और इसके लिए मैंने यूज़ किया है Maybelline New York का मास्टर क्रोम हाइलाइटर, जो काफ़ी फेमस एक हाइलाइटर है गाइस। एंड इसमें मेरा शेड है मोल्डन गोल्ड एंड दिस इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट हाइलाइटर। एंड इसको मैं हर वो जगह अप्लाई करूँगी जहाँ जहाँ हाइलाइटिंग करते हैं यूजुअली, लाइक ब्रिज ऑफ द नोज, चीक्स, इनर कॉर्नर एंड लिटिल बिट ब्राउ बोन पे। लाइक इनर कॉर्नर को कभी स्किप मत करना, ये पूरे लुक को एक अलग ही डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट मैं ब्राउज़ को फिल करूँगी, ये मुझे पहले कर लेना चाहिए था लेकिन मैं भूल गई थी। सो मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ मिस क्लेयर का आईब्रो पेंसिल और ये शार्पेबल है गाइस। मेरा यहाँ पे शार्प किया हुआ नहीं था, इस वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा लाइक घिसना पड़ा। सो आप इसे शार्प कर सकते हो इजिली। सो ये पेंसिल काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी देर तक टिकता है। देन मैं अप्लाई करने के बाद ये प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इस वजह से मैंने स्पूली किया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे Maybelline New York का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, हाइपर कल मस्कारा इन द शेड ब्लैक एंड ये वाटरप्रूफ वाला है गाइस। ये मेरा अगेन फेवरेट प्रोडक्ट है, मैं जो भी प्रोडक्ट आपको शो कर रही हूँ ये सारे मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ और मैंने एक न्यूट पिंक कलर की लिपस्टिक चूज़ की है। ये नॉर्मल हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक है एंड ये यहाँ पे मैंने यूज़ किया है एक नॉर्मल पिंक न्यूड लिपस्टिक जो कि काफ़ी प्यारा शेड है। नेक्स्ट मैं फेस को सेट करूँगी और इसके लिए मैंने यूज़ किया है ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर। ये फेस को एक डूई फिनिश दे देता है गाइस। Finally, makeup is done and ye hai final look guys. I hope you guys enjoy watching this video. If you do, then please do like, comment, share and subscribe to my channel if you have not already. So yeah, that's it for today's video. Milta hai aapse aur fir new video ke saath. Till then, take care. Bye. I love you.